हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास ब्यूटीफुल वन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज 4 तारीख है और आज मैं अपने घर जाने वाली, सुबह 10 बजे की मेरी ट्रेन थी, पर मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी तबीयत तो 2-3 दिन से ठीक नहीं थी और कल मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई केमिस्ट के पास दवाई लाने के लिए, डॉक्टर के पास। तो वहाँ से आते समय जब हम लौट के आ रहे थे तो हमारी एक जेठानी है, मेरी एक जेठानी है जो जिन्होंने मुझे अपने घर पे रोक लिया खाने के लिए। तो हम लोग खाना वाना खा के, जब खाना हम खा रहे थे उसी वक्त मैसेज आया कि जो ट्रेन हमारी लोहित एक्सप्रेस जो है, जो कि 10:15 में मुरादाबाद की टाइमिंग थी, यहाँ से वो डिबोर्ट होती, तो वो ट्रेन 8 घंटा लेट है और वो ट्रेन शाम के 5 बजे आएगी। तो हस्बैंड ने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी यूपी में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंडी हो रही है, सुबह उठने का मन नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि धूप के दर्शन नहीं होते 4-4 दिन 5-5 दिन तक। तो हम शाम को चलेंगे आराम से, खा पी के दोपहर के बाद आराम से नहा धो के आराम से फ्रेश होके निकलेंगे। पैकिंग वैकिंग भी मेरी नहीं हुई थी, तबीयत ख़राब थी, तो पूरे दिन कल मैं लेट ही रही बिस्तर पे। और क्योंकि हस्बैंड बाहर थे तो उनको जब पता चला वो घर आए तो वो मुझे हॉस्पिटल के लिए, मतलब दवाई के लिए ले गए। तो खैर ये तो बात की बात है, हम घर आए और फिर रात को 1 बजे मैसेज आता है, जो 1 बजे का मैसेज हमने सुबह पढ़ा 7 बजे कि अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद ठंडी की वजह से है या क्या है, कि वही ट्रेन लोहित एक्सप्रेस जो कि जम्मू से खुलती है वो अभी तक वहाँ से रन नहीं हुई। अभी तक आप सोचिए दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक चली नहीं है वहाँ से ट्रेन, और पता नहीं वो कब तक चलेगी, कब तक यहाँ मुरादाबाद पहुँचेगी और कब हम जाएंगे कोई आइडिया नहीं है। हम लोग ट्रेन के ऐप पे, वेयर इज़ माई ट्रेन, इसके ऐप पे हम लोग कई बार देख चुके हैं बट अभी कोई अपडेट नहीं आया है। और आज ही के दिन मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी डाला था, अपने हस्बैंड के बारे में बताया था, तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था सुबह में, मैंने मतलब गुस्से में पैकिंग वैकिंग की, मैं क्या बताऊँ। एक तो एक्साइटमेंट है घर जाने की, घर कब जाऊँ, अपने घर वालों को कब देखूँ, माँ को कब देखूँ, लीजा को कब देखूँ, मेरा मतलब जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, कैसे दिन गुजर रहे, रात गुजर रहा है मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए एक एक पल भारी हो रहा है और जैसे जब समय नज़दीक आ जाता है तो जाने का, और उस वक्त ऐसा हो तो बहुत बेकार लगता है। तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, तो मैंने पैकिंग की है, लाइट चली गई है, मैं कैसे दिखाऊँ, चलिए मैं बैक कैमरे से कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको। फ्रेंड्स, ये मेरा सूटकेस मैंने सुबह ही पैक करके रेडी कर लिया था। ये सूटकेस है, इसमें मेरी और मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह, ये देखिए ये सारी पैकिंग, कुछ खाने वाने की भी पैकिंग हम लोगों ने मॉर्निंग में ही कर ली थी 7 बजे। तो अब देखिए क्या होता है, कब तक जा पाते हैं, जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। आप बस ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा, मेरे तो खुद दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं कब जाऊँ, कब पहुँचूँ, भगवान जाने आज ये ट्रेन चलेगी भी ना चलेगी भी समझ में नहीं आता है। अभी अपडेट आया, मैंने देखा अभी फ़ोन पे, तो जम्मू से ट्रेन चल मतलब स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है, रन हो रही है, और यहाँ मुरादाबाद स्टेशन पे, जंक्शन पे रात के 1:28 में आएगी ट्रेन। तो मतलब मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड से बात हुई मेरी, वो दुकान पे हैं तो वो बता रहे हैं, उन्होंने बताया भी था मुझे कि हम लोग अगर ऐसा होता है कि रात को ट्रेन आती है तो हमें यहाँ से 50 से रात को ही निकलना होगा। तो रात को अब देखें, रात को शायद 8-9 बजे तक हम निकल जाएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं उनसे बात करती हूँ फिर देखती हूँ क्या होता है, जो भी होगा आप बस ब्लॉक पे बने रहिएगा। बस मैं सोची थी कहीं गाड़ी कैंसिल ना हो जाए, थैंक गॉड लेट आए पर आए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं और अभी 7 बज रहे हैं शाम के, और अभी हम निकलेंगे चंदौसी, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे और वो ट्रेन अभी पता चली कि वो कैंसिल हुई है। ट्रेन से हम जाते मुरादाबाद जंक्शन तक और मुरादाबाद जंक्शन से हमारी ट्रेन थी लोहित एक्सप्रेस, थी क्या वो तो है ही, बट हम जिस ट्रेन से जाने वाले थे मुरादाबाद जंक्शन के लिए वो ट्रेन कैंसिल है, तो इसलिए हम लोग बस से जाएंगे ना जी, बस से जाएंगे।
देखिए हमारा सामान वामान सब रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ फ्रेंड, और ये देखिए सामान, और ये हमारी सासू माँ खाना लेके रुकी हुई है। इतना क्यों लाई है, कम कर दीजिए माँ जी, आधा कर दीजिए, तब खाना बस खाऊंगी और निकलूंगी। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो ये देखिए मैं अपने घर वालों का, माँ जी का, और मुझसे जितने बड़े हैं मोहल्ला पड़ोस के सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। जाने से पहले इनसे विदाई ले रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए मोहल्ले के बहुत लोग आए हुए हैं। घूमट में अभी रात में मुझे दिखाई दिख नहीं रहा है ठीक से, और वीडियो बना रही है मेरी भांजी खुशी। सो फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हैं। मुरादाबाद से हमने बस पकड़ ली है। ये देखिए मेरे हस्बैंड हाई कर रहे हैं, और मुरादाबाद से, सॉरी, हम लोगों ने चंदौसी से ट्रेन पकड़ ली, सॉरी बस पकड़ ली, और अब हम जा रहे हैं मुरादाबाद स्टेशन के लिए। तो मैं पहली बार बस में बैठी हूँ, वो भी यूपी के बस में। फाइनली हम मुरादाबाद जंक्शन आ चुके हैं, और ये देखिए सामान के साथ बाहर हैं। वहाँ एटीएम में मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ पैसे में विड्रॉ करने के लिए। हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, इसीलिए है हम बस थोड़े से हैं। तो हम लोग अभी जस्ट आए हैं, और अभी रात के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं रात के। चलिए आगे क्या होता है जाने के लिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रही है। मैं आपको मुरादाबाद स्टेशन एक बार बैक कैमरास दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये है मुरादाबाद जंक्शन। ये बाहर का नज़ारा है, ये देखिए सब आग सेक रहे हैं। यहाँ पे चाय भी बेची जा रही है। ये देखिए, और ये देखिए एटीएम, एटीएम के अंदर देखिए मेरे हस्बैंड है, वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। SBI का एटीएम ये। हम अभी ट्रेन में हैं। वैसे तो ट्रेन कल रात को कितने बजे आई थी, 2:30 ढाई बजे रात को आई थी, 1 बजे थी लेकिन आई थी 2:30 बजे, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो रात को हम, मैम बहुत ज़्यादा थक गई थी तो हम सो गए, इस कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी भी ऐसा ही है, क्या ही बताऊँ, ठंड का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, बट आप लोगों को बताना भी तो ज़रूरी है। अभी हम कौन से स्टेशन पे हैं, अभी हम गोरखपुर में हैं। तो कल कब पहुँचेंगे जी? मॉर्निंग 9-10 बजे रंगे स्टेशन में, लगभग 9-10 बजे के बीच हम पहुँच जाएंगे। क्या गोरखपुर जंक्शन, अभी गोरखपुर से निकले हैं। गोरखपुर से अभी निकले हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और कल का ट्रिप मैं नहीं बना पाई ट्रेन आने का, हमारे ट्रेन में बैठने का, क्योंकि कल सामान का सामान बहुत ज़्यादा था, और फिर इनके हाथ में भी दो दो बोरियाँ थी। और मेरे हाथ में भी एक सूटकेस था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और सुबह हम लोग लेट उठे, 11 बजे मैं उठा, ये मुझसे पहले उठ गए थे, वही फ्रेश फ्रेश होते होते तो समय लग गया, इसलिए अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, देखिए हम कल तक कब पहुँचते हैं, ये अभी फिक्स नहीं। वैसे टाइम भी राइट टाइम चल रहा है, वैसे तो राइट टाइम चल रहा है, लेट नहीं।
चलिए देखते हैं कब तक। वैसे घर वाले भी कई बार फोन कर चुके हैं, कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो, जब ट्रेन ले जाएगी तभी जाएंगे। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। कुछ देर में शिवानी पहुँचने वाले हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 5। मेरे आप लोग भी पीना है तो आ जाइए, हम लोग चाय के साथ चना खा रहे हैं। चना मेरी दीदी ने भेजा था। दीदी अभी आपका बनाया हुआ चना ही खा रहे हैं हम लोग चाय के साथ। देखते क्या था मौसम भी क्या कोहरा है, पूरा मौसम खराब है, पता नहीं पड़ेगा फिलहाल तो। फ्रेंड्स रात के 12:18 हो रहे हैं और मुझे अभी भी नींद नहीं है। सारे लोग हमारी बोगी के सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ही नींद नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर नींद आ ही नहीं रही। ये देखिए सारे लोग सो रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 9 बज रहे होंगे ना। आदाब सत श्री अकाल नमस्ते। हां क्या कह रहे हैं? अरे हमारी जवान सी मैडम बोलती थी, क्या भूल गया बात करके बोल दी थी। आदाब सत श्री अकाल नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग हैं बंगाल में, यानी धूपगुड़ी में अभी फिलहाल। और जो सुबह का टाइमिंग दिखा रहा था 9 पहुंचने का धूपगुड़ी में, हाँ 9 पहुंचने का रंगिया स्टेशन, वो अब दिखा रहा है कई बजे? 2। अभी 2, दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना कि इस ट्रेन की वजह से। मैंने सोचा था कि इस ट्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे और बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और वहाँ पता चला कि घर पे कोई मिलने भी आया है धीमा जी से, तो वो तो जाने के बाद ही पता पड़ेगा कौन आया नहीं आया। अभी तो बस ऐसे ही है, देखिए कब तक पहुँच। देखिए हमारे बंगाल में अभी धूप है ये देखिए, और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ऐसा ही क्लाइमेट हमारे आसाम में भी होगा, क्योंकि यूपी में मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा ठंड है। क्यों नहीं दिख रही है इनको धूप? नहीं दिख रही है बताइए। धूपगुड़ी में धूप तो दिखेगी। धूपगुड़ी नहीं, धूपगुड़ी। धूपगुड़ी हाँ, मतलब यहाँ धूप गुड़ रहती है ये कुछ भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए कब तक हम पहुँचते हैं, 2 का टाइमिंग दिखा रहा है। वैसे अभी हम लोगों ने चाय वाय पी लिया है, अब देखते हैं। इनको कब से कह रही हूँ जाके ब्रश करिए, जब ट्रेन में बैठ गया तो कभी कभी पहुंच ही जाएंगे। अरे जाइए आप मुंह धोइए, है बिना मुंह धुले ही बहुत पसंद है, तो मुंह धुलने की क्या जरूरत है, तब और ज्यादा पसंद हो आ जाएंगे। ये तक तो पसंद करना करो, हवाले को पसंद है तो। चलिए फ्रेंड्स अभी घर पहुंचने में हमें 2 जाएंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और काफ़ी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कब घर जा रही हो, कब जा रही हो, जा रही हो कि नहीं जा रही हो, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। और ये वीडियो ना का लंबा भी हो जाएगा, लंबा तो हो ही जाएगा, साथ में ये है कि मैंने कल वीडियो नहीं डाला क्योंकि वीडियो बना ही नहीं पाए थे, तो डालेंगे कैसे। तो आज जितना भी बना मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और जब घर पहुँचूँगी तो वहाँ से एक वीडियो स्टार्ट कर दूँगी, सबसे आप लोगों को मिलवा दूँगी। और कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए उनसे भी मिल लूँगी, वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। हस्बैंड मेरे गए हैं बाथरूम में, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करते जाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये देखिए आ गए मेरे मिस्टर हस्बैंड जी, अभी आकर बैठ गए। तो इस वीडियो को यहीं पेंट कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए जय माता दी, बाय बाय। जय बाबा जी की।